तो मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं डीएसएसएसबी की तरफ से रिजेक्शन नोटिस आए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल। और एक नोटिस आया था जिसमें मतलब एक बच्चे को रिजेक्ट करा पहले, फिर अब उसे दोबारा बुला रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं। तो पूरी वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट नोटिस आया, कल ही आया रिजल्ट नोटिस, PGT फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। पोस्ट कोड है 95/17। यहाँ पे दो बच्चे यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। क्यों कर दिए? एक की क्या नाम है कि BPED की डिग्री कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। और एक की यहाँ पे क्या नाम है, एक ने अपनी BPED की डिग्री अपलोड नहीं करी। तो यहाँ पे इस चक्कर में यहाँ पे दो बच्चे यहाँ पे मतलब इन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरे नोटिस पर। ये नोटिस भी कर लिया, देखो सारे नोटिस कल आए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये है TGT सोशल साइंस ओनली फॉर फीमेल, पोस्ट कोड 138/17। यहाँ पे ये रोल नंबर है, ठीक है। ये रोल नंबर एक, ये आपका रोल नंबर देख सकते हो। ये यहाँ पे रिजेक्ट हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि आउटसाइड मतलब जो इन्होंने मार्क्स स्कोर करे थे उसमें क्या था, मार्क्स स्कोर करने के बाद इनका जो नंबर आया था OBC कैटेगरी में आया था, लेकिन ये OBC के बाहर थे, मतलब OBC के अंदर, क्योंकि आउटसाइडर होते हैं। आपको पता है कि बाहर के OBC क्या नाम है, अगर दिल्ली के अलावा कोई भी कहीं का भी OBC होता है तो वो जो दिल्ली में होता है वो आउटसाइड मान लो जनरल में काउंट होता है। लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट भी बनवाया OBC का, पर जो उनमें कुछ मतलब कुछ फादर के रेजिडेंस की वजह से वहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे देखो इन्होंने दे भी रखा है, ठीक है। हर फादर रेजिडेंस ऑफ विलेज वार्ड नंबर ये है, यहाँ पे तहसील ये रहा है यहाँ पे। तो इससे इन्हें पता चला कि जो बच्चा ये यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आउटसाइडर डेली का मतलब ये जनरल में काउंट होगा, तो इस वजह से यहाँ पे बच्चा रिजेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे रिजेक्शन नोटिस पे। तीसरा रोल नोटिस इसका ये है, पोस्ट कोड 87/17, स्पेशल एजुकेशन टीचर, ठीक है। यहाँ पे देखो दो बच्चे यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे दो नहीं ज़्यादा बच्चे करे, सॉरी तीन बच्चे करे यहाँ पे, डिड नॉट अपलोड। ये देखो यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा अपना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इन्होंने भी अपलोड नहीं करा। और यहाँ पे अप्लाइड फॉर द PH, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चे ने यहाँ पे PH मतलब PH में फिजिकल हैंडीकैप में अपना अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं करा ईडोसर पे, ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस पर, ये भी हमारा रिजेक्शन नोटिस ही है, ठीक है। पोस्ट कोड है यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड 143/17, TGT पंजाबी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या नाम है इसका, जो ये यहाँ पे SC कैटेगरी से हमारे दो बच्चे रिजेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे डिड नॉट अपलोड फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड, और यहाँ पे डिड नॉट अपलोड CTAT सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने CTAT का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा, और वहाँ पे इन्होंने अपने एडमिट कार्ड का नहीं करा जो कि मैंडेटरी था, ठीक है। अब आते हैं इस पर। अब देखो ये फाइनल नोटिस, इसमें देखो क्या बताया, इसमें मैंने पढ़ लिया वैसे। देखो एक मिस दीपिका नाम की वो थी, मतलब बच्ची थी, मतलब कुछ भी मान सकते हैं उसे। तो यहाँ पे क्या था, जो इनकी जो कैटेगरी थी जनरल में PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, और उसमें आपके ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। तो यहाँ पे इन्होंने क्या नाम है, इनका सिलेक्शन हो गया था। तो इनके बाद इन्हें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे ईडोसर पे, जो कि इन्होंने अपलोड करे, लेकिन इन्होंने डॉक्यूमेंट गलत जगह अपलोड कर दिए। तो उससे क्या हुआ, फिर इन्हें रिजेक्टेड करके मतलब ये रिजेक्टेड हो गए थे, फिर इनके लिए रिजेक्शन नोटिस भी आया था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, मुझे मिल नहीं रहा वैसे, मैंने इसे पढ़ा था जब आया था, कि इसमें रिजेक्शन नोटिस भी था। फिर रिजेक्शन देखो यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये रहा देखो रिजेक्शन नोटिस, यहाँ पे ये आया था 2/8/2019 को। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जब इन्हें शायद कोई और टीचर वगैरह नहीं मिला, तो इन्होंने जो ये गलती थी इनकी छोड़ के, फिर इन्हें दोबारा यहाँ पे ईडोसर के लिए इन्हें मैसेज कराया, मैसेज भी कराया और ईमेल पे भी कराया, जो कि अब इनकी ईडोसर की लिंक है वो क्या नाम है 4/12 से 13/12 तक ये अपलोड कर सकते हैं उन्हें सही तरीके से, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट थे वो गलत अपलोड कर दिए थे, यानी इनके पास डॉक्यूमेंट है सारे, ठीक है, लेकिन इन्होंने गलत जगह अपलोड कर दिए, तो इस वजह से वहाँ पे वो रिजेक्ट हो गई थी। पर जब इन्हें मेरे हिसाब से इन्हें कोई बच्चा नहीं मिल पाया, या तो इस एलिजिबिलिटी का यहाँ पे कोई बच्चा नहीं होगा, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे इन्हें रिवाइव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बता दी। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब कोई भी पंगा हो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।